हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज स्काई पर। मैं हूँ आपका दोस्त अंबर तिवारी और ये आपकी सुबह 6 बजे की क्लास है जो कि आपको लाइव मिल रही है, जिसमें हम डिस्कस करते हैं डेली करेंट अफेयर का। कुछ बच्चे डाउट में थे हमारी 2 करेंट अफेयर की क्लासेस को लेकर, तो उनके लिए मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा प्यारे बच्चों कि हम 2 करेंट अफेयर की क्लासेस चला रहे हैं। एक ये जो सुबह 6 बजे आपको मिल रही है, इसमें हम डेली का करेंट अफेयर डिस्कस करेंगे। जैसे कि आज है 20 मई, तो आज हम 20 मई का करेंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। बट जो शाम को क्लास मिलती है आपको रात को 11 बजे, उस क्लास में हमने क्या किया है, उस क्लास में हम 2019 जनवरी से लेके आपको सितंबर जो एग्ज़ाम के पहले तक की जो डेट होगी, वहाँ तक के मिक्स 2000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे। 2000 मिक्स्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आप सभी के लिए कराएंगे, जो आपकी प्रिपरेशन को बूस्टअप करेंगे। तो दोनों को मिक्स ना करें, ये डेली करंट अफेयर आपका और वो आपकी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की क्लास रहेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारी जो डेली करंट अफेयर की क्लास में आज का पहला क्वेश्चन है, वह देश जिसके जीव वैज्ञानिक द्वारा नए परजीवी कवक ट्रोग्लोमिस टुरेटरी को खोजा गया है, तो वह किस देश के वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया है, डेनमार्क, स्पेन, चिली या इसराइल। तो चलिए आइए इसका आंसर देख लेते हैं हम। तो इसका सही आंसर है कि 18 मई 2020 को डेनमार्क के कोपेनहेगन। याद रखना होगा कि डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन, ठीक है ना, कि विश्वविद्यालय के जैव वैज्ञानिकों द्वारा नए परजीवी कवक जिसका नाम है ट्रोग्लोमिस टुरेटरी, है ना, इसको खोजा गया है। और यह एक फफूंद या कवक का एक प्रकार का जीव है, या फफूंद या कवक एक प्रकार का क्या है, जीव है, जो अपना भोजन सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थ से क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। कवक अध्ययन को विज्ञान को कवक विज्ञान या माइकोलॉजी कहते हैं, याद रखेंगे आप, माइकोलॉजी कहते हैं, क्लियर। और कोशिका विज्ञान को अपन क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी कहते हैं। इसके बाद याद रखते हैं कि कवक की जो जातियों की संख्या है लगभग 80 से 90 हज़ार तक है। कवक की जो जातियों की संख्या है वो लगभग 80 से 90 हज़ार है, मतलब ये अर्थ पर काफ़ी वाइड रेंज में पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जलीय कवक में एकलाया, मिट्टी में पाया जाने वाला म्यूकर और लकड़ी में पाया जाने वाला मेरुलियस लैंक्रीमेंस और गोबर पर उगने वाला पाइलोबोलस तथा बसा पर उगने वाला यूटेरियम जातियाँ हैं। तो यहाँ पर कुछ अलग अलग जातियाँ हैं ना, और इसमें सबसे कॉमन जो आप सभी ने देखा है वो लैक्रिमेंस, मेरुलियस लैक्रिमेंस, जो कि बरसात के दिनों में हमें दिखता है लकड़ी पर। आगे बढ़ते हैं। अकोशी अतिसूक्ष्म विषाणु खालिस्तान मिलकर बनता है, नाभिकीय अम्ल, प्रोटीन, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है कि जो विषाणु है, इसका सही आंसर है विषाणु मतलब वायरस, अकोशी अतिसूक्ष्म जीव है। तो ये क्या है, अकोशी अतिसूक्ष्म जीव है, ठीक है। और ये केवल जीवित कोशिका में ही वंश वृद्धि कर पाते हैं, और ये नाभिकीय अम्ल और प्रोटीन से मिलकर गठित होते हैं, मतलब नाभिकीय अम्ल और प्रोटीन दोनों से मिलकर गठित होते हैं। तो उपरोक्त दोनों इसका सही आंसर होगा, ठीक है। और एक बार जब विषाणु जीवित कोशिका में प्रवेश कर जाता है, तो वह कोशिका के मूल आरएनए और डीएनए की जेनेटिक संरचना को अपनी जेनेटिक सूचना में क्या करता है, ये बदल देता है, और संक्रमित कोशिका को अपने जैसा संक्रमित कोशिकाओं का पुनरुत्पादन शुरू कर देता है। और सर्वप्रथम सन 1897 में डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने इसका पता लगाया था, और चेचक के पता लगाया था। आगे बढ़ते हैं, अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वह नदी जल प्राधिकरण जिसे अमेरिका की टेनेसी घाटी प्राधिकरण के आधार पर स्थापित किया गया, वह कौन सा है, चंबल, दामोदर, सिंधु या गंगा। तो इसका सही आंसर है कि जिसको हमने किया हुआ है वो कौन सी है, दामोदर नदी घाटी परियोजना। और इसको किस प्रोजेक्ट के समकक्ष डेवलप किया गया है, यह है टेनेसी घाटी प्राधिकरण, टेनेसी घाटी प्राधिकरण के तहत, या उस स्कीम के तहत इसको क्या किया गया है, बनाया गया है। इसकी स्थापना की गई थी जिसके तहत कुल 5 बांधों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। दामोदर नदी हुगली नदी की क्या है, सहायक नदी, और हाल ही में भारत सरकार, पश्चिम बंगाल राज्य सरकार और विश्व बैंक के मध्य दामोदर घाटी कमान क्षेत्र में सिंचाई सेवा को बढ़ावा देने हेतु $145 मिलियन का ऋण जो है वो बनाया गया। और ये हमने कल के ही करंट अफेयर में डिस्कस किया था, आई होप आप सभी को याद होगा। और इस पर एक समझौते पर अनुबंध किया गया है। नदी का उद्गम झारखंड के छोटा नागपुर पठार से होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन बना के आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है, ठीक है। और इस नदी की जो कुल लंबाई है वो 551 किलोमीटर है, जिसका आधा हिस्सा झारखंड तथा आधा हिस्सा पश्चिम बंगाल में, मतलब यह नदी जो है झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों में बहती है। आगे बढ़ते हैं।
तिब्बती बौद्ध धर्म के पंचेन लामा, जिन्हें छोड़ने के लिए अमेरिका द्वारा चीन को आग्रह किया गया है, वे कौन से हैं? 11वें, 12वें, 13वें या 14वें? तो इसका सही आंसर है दोस्तों कि पंचेन लामा तिब्बत के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक नेताओं में से एक हैं, और पंचेन लामा का स्थान तिब्बती बौद्ध धर्म में दलाई लामा के पश्चात आता है, मतलब दलाई लामा के बाद सबसे बड़ी जो धार्मिक पोस्ट है वो मानी जाती है। और पंचेन शीर्षक का अर्थ महान विद्वान होता है, और हाल ही में अमेरिका द्वारा चीन से तिब्बती बौद्ध धर्म के 11वें पंचेन लामा को छोड़ने का आग्रह किया गया। कौन से? 11वें पंचेन लामा को छोड़ने का आग्रह किया गया। लोगों के अनुसार चीन अधिकारियों द्वारा वर्ष 1995 में तिब्बती बौद्ध धर्म की 11वें पंचेन लामा को मात्र 6 वर्ष की उम्र में कैद कर लिया गया था। मात्र 6 वर्ष की उम्र में कैद कर लिया गया था, कब? 1995 में, और तब से वो गैद ही हैं बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय सेना ने सामान्य नागरिक को 3 वर्ष की सेवा के लिए शामिल करने संबंधी प्रस्ताव है ना जो संभव बनाया है, मतलब भारतीय सेना ने एक प्रस्ताव बनाया, एक नई स्कीम बनाई जिसके तहत सामान्य नागरिक भी सिर्फ 3 साल के लिए जो है वो सेना में शामिल हो सकते हैं। तो इसे क्या बोला गया? टूर ऑफ ड्यूटी, स्टेप ऑफ ड्यूटी, माई ड्यूटी या मूव फॉरवर्ड फॉर नेशन? तो इसका सही आंसर है टूर ऑफ ड्यूटी। याद रखेंगे टूर ऑफ ड्यूटी, जरा इसे डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि भारतीय सेना द्वारा सामान्य नागरिकों को 3 साल के लिए सेना में शामिल करने के लिए संबंधित एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है, और इसको क्या बोला गया? टूर ऑफ ड्यूटी उसे संबोधित किया जाएगा। और इस प्रस्ताव के अनुसार नागरिक द्वारा सेना में शामिल होना पूर्णतः स्वैच्छिक होगा, मतलब आप अपनी मर्जी से आना चाहें तो आ सकते हैं, इसमें इसके लिए आपके ऊपर किसी तरह का दबाव नहीं होगा। और देश के आम नागरिकों को भी सेना में शामिल होने का अवसर प्रदान करने वाला भारत विश्व का एकमात्र देश होगा, मतलब प्रथम देश होगा। और वर्तमान समय में शॉर्ट सर्विस कमीशन जो है SSC के द्वारा सेना में आने की जो न्यूनतम अवधि होती है वो 10 वर्ष होती है। और भारतीय थल सेना की स्थापना 1 अप्रैल 1995 में की गई थी, जिसका आदर्श वाक्य है सर्विस बिफोर सेल्फ। चलिए आगे बढ़ते, कुछ और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये 5 कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, कुछ और क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि हाल ही में कहाँ जहरीली गैसों के रिसाव के कारण बड़ा हादसा हुआ है? तो हम सभी को पता है कि विशाखापट्टनम में जहरीली गैसों के रिसाव के कारण एक बड़ा हादसा हुआ है। आगे बात करते हैं भारतीय सेना कितने समय के लिए टूर ऑफ ड्यूटी शुरू करेगी? तो अभी मैंने आपको लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि 3 वर्ष के लिए शुरू किया जा रहा है, और ये नॉर्मल लोगों के लिए, सामान्य व्यक्तियों के लिए है, ठीक है। इसके अलावा हमें पता होना चाहिए कि SSC जो शॉर्ट सर्टिफिकेट कमीशन होती है उसके द्वारा जिन सैनिकों को भर्ती किया जाता है उनके लिए कितने समय के लिए किया जाता है? 10 वर्ष के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस जो है वो 18 मई को मनाया जाता है प्यारे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, बंगाल की खाड़ी में आए हम अफन तूफान का नाम किस देश द्वारा दिया गया है? तो बंगाल की खाड़ी में जो तूफान आया था उसे नाम दिया है थाईलैंड ने। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, 5वीं बार इसराइल के प्रधानमंत्री कौन बने? तो काफ़ी कॉमन सा और आसान सा क्वेश्चन है, बेंजामिन नेतन्याहू जो हैं वो 5वीं बार इसराइल के प्रधानमंत्री बने, काफ़ी न्यूज़ में भी रहा इनका नाम अभी इस चीज़ को लेकर। किस देश के वैज्ञानिकों द्वारा सुपर अर्थ ग्रह की खोज की गई है? तो न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों द्वारा सुपर अर्थ ग्रह की खोज की गई है। आगे बढ़ते, हाल ही में आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना के अंतर्गत छोटे व्यापारी को कितने लाख तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा? तो 1 लाख रुपए तक का ऋण जो है वो उपलब्ध कराया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली डैशबोर्ड किसने तैयार किया है? तो राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली डैशबोर्ड NDMA ने तैयार किया है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस राज्य को चक्रवात तूफान के खिलाफ चेतावनी दी गई थी? तो उड़ीसा राज्य को चक्रवात तूफान के खिलाफ चेतावनी दी गई थी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने चरण पादुका पहल की शुरुआत की है? तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा यह चरण पादुका पहल जो है इसकी शुरुआत की गई है। तो दोस्तों ये हमारे सुबह 6 बजे की क्लास थी, इसमें हमने 20 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस किया। होप आप सभी को पसंद आया होगा। अच्छा, कल से ये क्लास आपको बायलिंगुअल मिलेगी। थैंक यू वेरी मच गाइज़।